नमस्कार, भारत उदय समाचार के इस विशेष रिपोर्ट में सभी का स्वागत है। मैं बिहार के दरभंगा जिला में हूं। आज फिर से एक सहोरा गांव में आया हूं, जहां पर कुछ लोग बैठे हैं। उनसे जानना है कि क्या उनका इस बार मूड है और उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले आप सर बताएं कि क्या कहना है आपका इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर यही कहना है, जो माहौल है, जो कार्य किया है नरेंद्र मोदी ने देश से लेकर के और विश्व स्तर पर, वह भारत को हमेशा जो है ऊंचा उठाने का काम किया है। भारत देश जो है उसका हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है, जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जो है हर क्षेत्र में किसान के लिए, आम क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए, स्वच्छता अभियान, हर क्षेत्र में उसने जो काम किया है वह अद्वितीय है। जो पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ उससे अधिक काम उसने 5 साल में करके दिखाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो है वह अगर जातिवाद, क्या कहते हैं, संप्रदायवाद से उठ के देखा जाए तो उसने हर क्षेत्र में काम किया है। लोकल सांसद की बात करें तो अर्षित मोदी लोकल सांसद के बारे में तो ये कहेंगे हैं, जो लोकल सांसद जो है वो कहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का है नहीं, वो गठबंधन का है, और क्या कहते हैं वो रामचंद्र, वो यहाँ पर आता नहीं है। लेकिन क्या है, हम लोग तो मोदी का सपोर्टर है तो वोट तो देना ही पड़ेगा मोदी को देखकर, मोदी फैक्टर। उसके अलावा कोई काम नहीं है करने का, मूड चेंज कोई है ही नहीं, एकदम सबके मन में बैठ गया एकदम। क्या नाम आपका? राधे श्याम झा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम लोग तो पूरे आप जो हमारे वो राधे श्याम झा कह दिए हैं कि जो भी है हम लोग के दिल में भी है नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने 5 साल में काम करके दिखाए हैं। विदेश नीति भी सबसे अच्छा रहा है, जो 60 साल में नहीं रहा वो 5 साल में विदेश नीति सबसे अच्छा रहा मोदी जी के समय में। और सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब मेन मुद्दा है जो मोदी जी के छोड़ करके जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा, थोड़ा भी उसको मतलब वो समझने की क्षमता होगी, वो नरेंद्र मोदी छोड़कर दूसरा किसी की तरफ मुड़ेगा ही नहीं। ये तो विदेश की बात हो गई या इंटरनेशनल बात हो गई, आपके इलाके में क्या विकास हुआ इसके बारे में? हमारे इलाके में विकास नरेंद्र मोदी के थ्रू जो भी कुछ आया है उसका विकास हम लोग देख रहे हैं, उसका विकास हुआ है। ना कोई सांसद कोटा से हुआ है, ना कोई विधायक कोटा से कोई विकास हुआ है, सीधा प्रधानमंत्री का हासिल। जो उनके द्वारा जो मान लीजिए वो सांसद को दिए या विधायक को दिए, उन्हीं को दिया, उन्हीं का दिया हुआ, उनके द्वारा जो विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। बाकी कोई भी सांसद कोटा से या विधायक कोटा से हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। सांसद के बारे में चेंज करने का मूड? सांसद के बारे में तो क्या, जब हमारे प्रधानमंत्री ही गठबंधन किए हुए हैं, एनडीए के गठबंधन है इसमें, तो हमको तो हम कैसा भी रहे, कोई भी रहे, कोई भी रहे, बकरी को भी खड़े कर देंगे तो, तो उनको हम लोग वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट उनको दे देंगे। नाम राम कली झा। लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यकाल रहा है 5 साल का भाजपा सरकार के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हम लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं, जो स्वाभिमान से जीने का, जो विदेशी नीति में बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हम लोगों को एक स्वाभिमान दिए हैं, और उसको हम लोग उनको शुक्रिया अदा करते हैं। रहा वोट देने की बात, तो फैक्टर एक फैक्टर है नरेंद्र मोदी, चाहे जो भी सांसद चुनाव में आवे उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग का एक मकसद है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। रोजगार की बात करें तो इतना पॉपुलेशन हो गया, जो क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, जनसंख्या इतना हो गया अब हिंदुस्तान में, तो उसके बाद भी वो चाह रहे हैं जो जहाँ तक हो सके लोगों को दे रहे हैं, कर रहे हैं, हर सेक्टर में वो अपना लगा रहे हैं, जहाँ उनका जो गुंजाइश है वो कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं सांसद के बारे में क्या कहा जाए? यहाँ पर रामचंद्र जी हमारे सांसद हैं। मेडिकल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मेडिकल के लेके तो सबसे बड़ा योजना चलाए हैं, कौन योजना है? आयुष्मान, जो कि गरीबों के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस किया है, वो ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो इलाके में लोग रहते हैं उनका अगर इलाज करने का बात हो तो कहाँ जाना पड़ता है, कितने दूर जाना पड़ता है, या इलाज कैसे हो जाता है? इलाज तो अभी जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो जो एक वर्ग है वो वर्ग प्राइवेट में जाते हैं, और जो एक मिडिल क्लास का वर्ग है वो सब सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर भी मोटा मोटी, इसमें नीतीश जी का भी कुछ एक हम वर्णन करना चाहते हैं, नीतीश जी का भी कुछ ऐसा है जिसके कारण व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। कहा जाता है कि आपके शहर में जो हॉस्पिटल है उसमें जाने के बाद लोग बच के नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा मिथ्या भाषा है, ऐसा मिथ्या भाषा है। मोदी सरकार में बीमारी ही कम हो गया है, स्वच्छता अभियान के कारण 50% से ज्यादा बीमार है ही नहीं आदमी। पहले बीमार ज्यादा रहता था तो ज्यादा हॉस्पिटल में भीड़ रहता था, अब बीमार ही कम है क्योंकि स्वच्छता, गंदगी समाप्त हुआ है। तो गंगा जमुना की बात कर रही है ये सरकार?
अरे गंगा जमुना तो हमेशा तो है ही, गंगा जमुना मतलब सरकार जो है वो तहजीब नहीं रहेगा तो यहाँ देश में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो सरकार 25 करोड़ सात जो योजना उनका है, सात योजना, अगर सात निश्चय योजना, सात निश्चय योजना, अगर सातों निश्चय योजना सही से काम धरातल पर हो जाए तो कभी बीमारी होगी ही नहीं। एक बात और है, काशी की आप स्थिति देखा जाए, काशी विश्वनाथ की स्थिति, तो एक भी कचरा वहाँ आपको नहीं मिलेगा, इतना स्वच्छ वातावरण बना दिए हैं। जब लोग देखते हैं ना तो मतलब देखने को पसंद होता है। प्रियंका घूम के आई है, प्रियंका गांधी का वहाँ इंटरव्यू हुआ है, वहाँ एक मल्लाह ने बोले हैं जो कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी अभी नवालिक रह गए, राजनीतिक में नवालिक है, तरीके नहीं है क्या, राजनीतिक में नवालिक है। और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो है, प्रधानमंत्री उस सांसद में बैठ के आंख ऐसे मार रहे थे, देखे ना आप जी जी। उनको तो बोलने क्या, किस समय क्या बोले, देश का माहौल क्या है, तो ऐसे ही पलक ले लेता है, इसमें क्या हो गया। उनका एक खासियत हमको पसंद पड़ा, वो आंख जो मारते हैं संसद संसद भवन में वो बहुत अच्छा रहता है, अपने एमपी को मारते हैं। नित्यानंद क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं जो देश में विकास का स्तर क्या हुआ है। रही बात वर्तमान कुछ समय में नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक जो विश्व स्तर में कूटनीतिक का जो एक वो होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए, ये इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। जी नरेंद्र मोदी जी के जो विश्व स्तर के जो कूटनीति है तकर पॉलिसी बहुत, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री, इनका विश्व स्तर का जो पॉलिसी है, कूटनीति है, ये बहुत अच्छा है, जिससे हम युवाओं को बहुत प्रभावित किया गया। क्या मिला आपको, प्रभावित हुआ, रोजगार मिला आपको क्या? रोजगार रोजगार मिला, जिसमें टैलेंट है उसको रोजगार मिल रहा है। सब दिन से हो रहा ना, सब दिन से नहीं हो रहा, कई सारे विकास अगर करें तो वो तो उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, पेट में जाना चाहिए ना। कई सारी ऐसी योजनाएं, कई सारी ऐसी लोन की व्यवस्थाएं, अपना मुद्रा लोन, तो बहुत सारे ऐसे जनधन खाता चालू तो हो गया, लेकिन मिला किसको? बहुत युवाओं को मिला, जो जो रुचि को मिला। अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले से क्या आपको जवाब मिलता है कि ये पेपर लाइए या पेपर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो आज तक लेने गया ही नहीं, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जो गए उनको मिला है, ये रिपोर्ट बता रही है, ठीक ना? आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार बहुत अच्छी है। मैं नरेंद्र मोदी के लिए कि कोई भी मेरा सांसद तो रामचंद्र पासवान है, सबसे चोर सांसद, जिसको अगर उपाधि दे चोर सांसद इसको बोले। और ये सांसद ऐसा है, ये जाति समीकरण के हिसाब से ये दुसाद है, और दुसाद के लिए केवल जातिवाद देखता है। हम सवर्ण हैं, ये हमें कांट छाट के, हम थे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में, काट के हमको समस्तीपुर में जोड़ दिया, और मेरा ये 10 पंचायत जो है ये एकदम अविकसित कर दिया। इसने अपने पैसे से एक भी काज को नहीं करवाया, वो तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के वो शौचालय वाली योजना थे।